आइए हम लोग देखते हैं एक दूसरा चार्ट, ठीक है। अब इस डेटा को देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये उनके मार्क्स हैं, ओके। अब इसको मुझे चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करना है? अब यहाँ पे देखिए, पहले तो वो सिंगल डायमेंशन था, अब ये टू डायमेंशनल हो गया है, लेकिन तरीका चार्ट बनाने का यही रहेगा। आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी डेटा है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट चार्ट पे जाइए, ओके। अब ये इसने ऑटोमेटिकली पाई चार्ट बना के दे दिया, लेकिन पाई चार्ट से कुछ सेंस नहीं बन रहा है, ओके। तो आइए देखते हैं सूटेबल कौन सा डेटा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि यदि मैं बार चार्ट बना दूं, तो इससे एक एक मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज सबके 20 के तो ऊपर दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स बॉक्स में शेयर की कर जो रहा है। परफॉर्मेंस है वो 20 से 30 के बीच में है। हेलो, तो अब इस चार्ट से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि देखिए, मिनिमम स्टूडेंट्स के, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से 30 में, एक स्टूडेंट 50 तक पाया है, ओके। तो इससे हमें एक ओवरऑल नॉलेज मिल रही है इस डेटा की। तो हमें चार्ट बनाते समय सर्वे यही दिया। ध्यान रखना है, ओके।